नीमच के अंबेडकर रोड पर परिवहन विभाग की टीम ने चेक पॉइंट लगाकर अवैध बिना परमिट चलने वाले और बिना दस्तावेजों वाले दो ऑटो को जब्त किया है। इसकी जानकारी देते हुए परिवहन विभाग नीमच के उप निरीक्षक जितेंद्र गुर्जर ने बताया कि जिले में लगातार अवैध ऑटो पर कार्यवाही की जा रही है। उनके दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं और अवैध पाए जाने पर उन्हें जब्त किया जा रहा है। गुर्जर ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश और परिवहन आयुक्त के आदेश पर यह कार्यवाही सतत जारी है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस व ट्रैफिक विभाग के द्वारा लगातार अवैध ऑटो चालकों पर कार्यवाही की जाकर ऑटो जब्त किए जा रहे हैं, जिसे लेकर ऑटो यूनियन कई बार शासन प्रशासन के जन प्रतिनिधियों को भी ज्ञापन देकर दस्तावेज तैयार करने के लिए समय की मांग कर रहा है। विभाग द्वारा कितने ऑटो पर कार्रवाई की गई है? माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय जबलपुर एवं सर, विभाग द्वारा क्या क्या जांच की जा रही है ऑटो पे? तो मेन जो है वो दस्तावेजों का जांच हो रही है कि वो वाहन के दस्तावेज है कि नहीं, जिसमें मूल जो चीज़ है वो परमिट फिटनेस इंश्योरेंस ये चीज़ों की है। अगर परमिट नहीं है तो इन चीज़ों को जब्त किया जा रहा है, और वाहन के अगर कागज नहीं है तो उसको जब्त किया। सर, अब तक जब से कार्रवाई प्रारंभ हुई है कितने ऑटो लगभग जब्त हो चुके हैं? लगभग 40, लगभग नीमच शहर में लगभग 40 से 45 हो चुके हैं और अभी कार्रवाई जारी है। ठीक सर, आपका नाम और पता? जितेंद्र गुर्जर, परिवहन निरीक्षक।